केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, सहायक सचिव और उपयंत्री के मिलीभगत से सरकारी राशियों पर पलीता लगाया जा रहा। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण जनता के हक को डकार कर कागजों पर खाना पूर्ति करके लीपापोती कर रहे हैं। ऐसा ही मामला धार जिले के जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत माकनी का सामने आया है, जहां विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की राशि का पलीता लगाकर डकार रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर हमारे विशेष संवाददाता अमर वर्मा की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदनावर जनपद की ग्राम पंचायत माकनी, जहाँ की ग्रामीण जनता यहाँ पर परेशान है, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर परेशान है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट की कई शिकायतें भी आ रही थी, इसलिए हम पहुंचे यहाँ ग्राम पंचायत माकनी, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर ग्रामीण कुछ महिलाएं और पुरुष भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है और वो किस प्रकार से यहाँ रह रहे हैं, ग्राम पंचायत उनकी सुनती है या नहीं सुनती है। क्या नाम है दीदी आपका? सीमा। सीमा, क्या समस्या है आपकी? सर यही समस्या है जो अभी बताया। क्या समस्या है? पानी ज्यादा समस्या है, जैसे नाली साफ नहीं होती है जी, अचरा यहाँ पे रहता है, बच्चों खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, मच्छर भी बहुत होते हैं। तो आपने इसका बोला कि क्या बोला, मतलब सरपंच सचिव ने क्या बोला इसके बारे में? सर बोला पर वो जवाब नहीं देते, कोई भी जवाब नहीं देते हैं। दीदी आपकी क्या समस्या है? हमारा नहीं सुना है। आपको नहीं सुनाता है? हाँ जी, क्या आप कह रहे थे? क्या ये पानी यहाँ पे गंदगी आती है, उधर से पानी आता है, लेटरिंग वगैरह जंगल में जाते हैं लोग बाग, लेटरिन भी जाते हैं, ये पानी आता है, इस होल में पानी उतरता है और ये पानी टंकी में जाता है और वही पानी हम पीते हैं, उसके बाद बीमार होते हैं। और वो आज तक वो सेपरेट टैंक बना, उसमें तो ना तो साफ सफाई हुई है, उसमें कीड़े भी निकलते हैं जी। क्या साफ सफाई भी ना तो टंकी की हुई और ना गंदा पानी पीने की। हाँ हाँ हाँ, अभी भी डोला पानी आता है, ये होल नदी में लगा हुआ है जी। वो पानी आता है खेत वगैरह का उधर से, तो ये पानी हम पीते हैं, मतलब गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। हाँ, मजबूर है बिल्कुल। समस्या आपकी नाली वगैरह? हाँ, नाली भी साफ नहीं होती है जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर यही है कि अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। हाँ। तो ग्रामीण जनता का कहना है, ये मुस्कुरा रहे हमारे साथ है, यहाँ ग्राम पंचायत माकनी के पंडित जी हैं, काफी वृद्ध हैं और काफी वरिष्ठ भी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या आपकी समस्या है ग्राम पंचायत में। हम तो यही सोचते हैं जैसे कि हमारा गांव जो है उन्नति पे जाए और ये, हाँ, और ये नवयुवक जो है अच्छा काम करें और जो शिकायत हो रही है शिकायत को समाप्त करें। ये जो गांव में शिकायतें हैं इनकी, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, तो कहीं गंदी नालियां है, साफ सफाई नहीं हो रही, साफ सफाई नहीं होती, वहाँ नहीं चल रहा है, इसको लेकर आप क्या? हमारे यहाँ समस्या है, समस्या है। हमारे यहाँ एक मेतर जो है जो पंचायत से पैसे लेने का प्रयास करता है और देती भी है पंचायत, पर वो सफाई नहीं करता, पी करके केवल गाँव में घूमता है, लोगों को गालियाँ देता है। सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी सरपंच, ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की सरपंच सचिव की, हाँ सचिव की है, ताकि उसे तुरंत हटाए और नया रखे कोई भी कर्मचारी, ताकि ये गंदगी नहीं रहे। और ये पानी के जो लिए वाटर पंप वाला जो वाटर पंप वाले जो है जो चलाते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सरपंच के अलावा जो नौकरी कर रहा है उनको भी थोड़ा ध्यान देकर तो करना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति ध्यान देगा तो करेगा, हाँ, काम होगा ना। जिम्मेदार व्यक्ति जो सरपंच भी ध्यान दे, सचिव भी ध्यान दे और उसके बाद जो जो वाटर पंप पे काम करता है उसको भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल बदनावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत माकनी के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नाली निर्माण नहीं होने से रोड पर गंदगी फैल रही है, मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन सरपंच सचिव इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। दीदी आपका? हमारा फुलकोर नाम है। कौन सी ग्राम पंचायत है? माकनी। माकनी, क्या समस्या है आपकी? जो गटर नो पानी आई रो यहाँ और कहीं निकलवा की जगह को नहीं, नीर गटर बनाई रख निकाई को नहीं, पानी मार आंगन गिर रही रो। अच्छा, ने खुली लेटरिंग को पानी आई रो लोकना को, तब अपने को बोला तो के तुम झगड़ा करो के रस्तो मान दो, तब के कहाँ रस्तो देवान जो मुँह पट्टाबंदी जगह में कोई लोग निकल बन दे। जितेंद्र मेरा नाम है मेरा, वो यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले इतनी इतनी गटर लगी हुई थी जी। ये जो दिख रही है ना ये गटर ही, ये जो मुरम दिख रही है आपको, ये मुरम दिख रही है आपको जी, जी। ये मुरम हमने खुद के जेब से डलवाई हुई। अच्छा, इतनी इतनी गटर थी, बच्चा अगर रह जाए तो मर जाए, इसी कंडीशन थी। ये गटर बुरोई तो ये पानी यहाँ पे खड़ा रहता है। मैंने दो तीन बार आवेदन में लिख के दिया। क्या, कौन सा गांव है? माकनी। माकनी है, क्या समस्या है इस गांव की? यही समस्या है सर, पानी वगैरह की नल नहीं आते हैं, पानी इतना इकट्ठा हो रहा है, बच्चे बच्चे भी कोई निकल नहीं सकता और पानी बारिश का पानी आता है इतना हो जाता है यहाँ पे। दूसरे घरों में घुसने की समस्या है इनमें।
और जिसके बाद में नाली ये बूर दिए, इन्होंने खुली लेटरिंग का पानी आता है, उधर ओपन लेटरिंग सबकी पानी आता है, बदबू मारते घर का। ग्राम पंचायत में कचरा वाहन भी लाया गया है, लेकिन सरपंच के घर पर खड़ा होने की वजह से कचरा फेंकने में बहुत दिक्कत होती है। कचरा के लिए क्या करते हो, यहाँ पर कचरा वाहन भी है, क्या करते हो? कचरा वाहन तो सरपंच साहब के घर पे खड़ा है, सरपंच साहब के घर पे खड़ा है कचरा वाहन, तो कचरा वाहन उनके साथ घर पे खड़ा है। अच्छा, बाकी इधर चलाते नहीं है, वो चलाते नहीं है, कचरा इधर उधर ही फेंकते हैं सर। आपके सर यही समस्या है, यहाँ पे पानी ज्यादा समस्या आए, जैसे अच्छा यहाँ पे आए नालियों साफ नहीं होती है, नालियों की गंदगी होती है, हाँ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो ग्राम पंचायत वाले का क्या कहना है इनका? अब हम तो बोलते है बहुत, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अच्छा, ये कचरा का वाहन का मतलब आती है क्या? वाहन तो नहीं आता यहाँ पे, वाहन नहीं आता, नहीं आती। मोदी सरकार का सपना है कि देश के हर गांव को स्वच्छ बनाना, शौचालय बनाना, जिसके लिए लाखों रुपए ग्राम पंचायत को दिए जा रहे ताकि सामुदायिक शौचालय बन सके, लेकिन ग्राम पंचायत माकनी के सरपंच ने 3 लाख रुपए से अधिक राशि की सामुदायिक शौचालय की स्वीकृति प्राप्त कर 1 लाख से अधिक राशि का आहरण भी कर लिया, जिसको 1 वर्ष से भी अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य चालू तक नहीं किया। शौचालय का निर्माण ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, नहीं हुआ माकनी में जी। तो यहाँ पर जो पंचायत ने एक निर्माण किया उसकी राशि भी निकली है, क्या कहोगे आप? मेरे को तो बताने अच्छा। बाकी जो शौचालय का निर्माण का काम चालू हो रहा था पीछे स्कूल के पीछे, वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था, बाकी अभी तो शौचालय का कोई काम चालू हुआ न, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सामुदायिक शौचालय बनाया गया है जिस पर राशि भी निकली है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा इधर तो। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? माकनी। सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर जब हमने ग्राम पंचायत सरपंच से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ही देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अच्छा सरपंच साहब, आपके गांव में सामुदायिक शौचालय का क्या का निर्माण हुआ या नहीं हुआ है? उसका सर काम चालू करना है, अभी करना है। ये इसकी मतलब लोगों का कहना है गांव में सामुदायिक शौचालय नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसका सर सामुदायिक शौचालय अपन ने एक लिया है, उसका तुरंत काम चालू करेंगे हम अभी। कब इसी मतलब लोगों का यह कहना है कि स्वीकृत हुआ था वो 2023 में, करीब 1.5 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ है सर। उसके क्या ठेकेदार वगैरह नहीं अवेलेबल हो पाया उसके कारण अपन ने, लेकिन उसकी राशि भी निकल गई है, मतलब उसकी राशि निकलने के बावजूद काम नहीं हुआ है। नहीं, उसका काम चालू करेंगे सर, 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा उसका, 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, राशि निकल गई है, शौचालय ही नहीं बना है, लोग परेशान है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। लोगों ने आपको नव युवक सरपंच चुना है, इसके बावजूद भी आप उनके लिए खड़े नहीं उतर रहे, 2 साल हो गए, परेशानी जस की तस बनी हुई है, बढ़ती जा रही है। नहीं सर, काम तो रेगुलर जो है, राशि पंचायत किससे डगल रही है उसमें तो हम रेगुलर काम कर ही रहे हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयास है कि गाँव में गंदगी ना फैले और सीसी रोड निर्माण हो, नाली निर्माण हो और गांव में सफाई हो। शौचालय तो बहुत ही अत्यंत मतलब जरूरी मतलब चीज़ है, गाँव में होना चाहिए। 1.5 साल हो गया, स्वीकृत भी हो गया, उसकी राशि 1.5 साल से निकल गई है, फिर भी निर्माण नहीं कर रहे हैं। गांव में तो घर घर शौचालय हमारे पूरा पूर्ण 100% सामुदायिक शौचालय की बात कर रहा हूँ, उसका तो सर 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। अभी सामुदायिक शौचालय निर्माण की राशि का आहरण कर ग्राम पंचायत सरपंच अपने निजी काम के लिए राशि का उपयोग कर रहे, इसको लेकर हमने जब जनपद पंचायत CEO से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारी यह रिपोर्ट। इसके संबंध में मैं दिखवाता हूँ, स्वीकृति एक्चुअल में काफ़ी कई जगह स्वीकृति हुई थी और वहाँ की क्या पोजीशन, मैं दिखवाता हूँ, अगर उनने काम शुरू नहीं किया तो निश्चित ही सचिव के ऊपर, पंचायत के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1.5 साल से सर राशि 1 लाख से ज़्यादा लगभग निकल गई है, ग्रामीणों का कहना है कि राशि निकल गई है, बिल लग गए हैं, उसके बावजूद निर्माण नहीं हुआ, उससे उनको काफ़ी परेशानी। मैं अभी दिखवाता हूँ इसको, कार्रवाई होगी मतलब? नहीं, बिल्कुल निश्चित कार्रवाई होगी पंचायत पर और इन पर कार्रवाई होगी। मैं अभी ये जानकारी निकलवा के कि इनको राशि कब दी गई थी और क्यों इनने चालू नहीं किया है, अन्यथा सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो धारा 92 में इनके खिलाफ वसूली होके और इनका प्रस्ताव जिला पंचायत में भेजा जाएगा कार्रवाई के लिए, निश्चित रहें आप। जो राशि अगर शासन की राशि निकाल ली जाती है लंबे समय तक, अगर उसके पास रखते हैं तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? नहीं, अगर इन्हें लंबे समय तक अपने पास राशि रखी है उसमें जाँच करा लेते हैं और अगर ऐसा पाया जाता है तो निश्चित ही जो शासकीय धन अपनी अभिरक्षा में रखने के उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी और इसका प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा जाएगा। आप ग्राम पंचायत में गंदगी का अंबार और ग्रामीणों की समस्या को लेकर जब हमने ग्राम पंचायत सरपंच से बातचीत की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए क्या कहा, आप ही देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महेश मेरा। कहाँ के सरपंच हो?
ग्राम पंचायत माकनी। ग्राम पंचायत माकने में सरपंच साहब, काफ़ी लोगों को परेशानी है, मतलब नाली का निर्माण नहीं होना, उनका जो है गंदगी फैल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, हमारे यहाँ क्या जो कर्मचारी जो स्वीपर रखा था हमने सफाई कर्मी, वो क्या दारू वारू पीता था, इसके कारण उसको अपन ने पंचायत से निकाल दिया। और दूसरा मित्र यहाँ पे है नहीं, और 19 तारीख को भी पंच और सभी सहमति से मीटिंग रखी थी हमने पंचायत में, उसमें हमने दो सफाई कर्मी नियुक्त करे हैं 19 तारीख को, वो कल से प्रॉपर वर्किंग करेंगे। कचरा वाहन भी गांव में है आपकी ग्राम पंचायत में, लेकिन वो घूम नहीं रहा है, तो क्यों कचरा वाहन क्यों नहीं चलाया जा रहा है? वो सर उस सफाई कर्मी के कारण ही अपन नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि स्वीपर तो जरूरी है। काफ़ी समय से कचरा वाहन आपके यहाँ पर मतलब कार्य नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? मेरे ग्राम पंचायत माकने में सफाई कर्मी मेहतर की बहुत समस्या है, और मेरे यहाँ माकने में एक ही घर है मेहतर का, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने दो नागदा से दो सफाई कर्मी नियुक्त किए हैं। नहीं, जैसे ये आप हमारे संज्ञान में लाएँ, अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत आई नहीं है, फिर भी मैं इसकी दिखवा लेता हूँ, जाँच करा लेता हूँ। करीब करीब सारी पंचायतों के निर्देश हैं कि बारिश में पानी की कहीं भराव नहीं हो, नालियों में कहीं कचरा नहीं जमे, तो उसकी साफ़ सफाई करना है। जैसे आप हमारी जानकारी में लाए हो, तो मैं कल ही इसकी जांच करवाता हूं, और जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। स्वच्छता में अब कचरा वाहन सरपंच के यहाँ क्यों खड़ा है ये मैं दिखवाता हूं, क्योंकि अभी तक इस संबंध में कोई ऐसी कोई जानकारी हमारी उसमें नहीं थी, आपने जानकारी दी है, तो निश्चित ही मैं उसके संबंध में स्वच्छता वाले प्रभारी को भेज के जांच करवाता हूँ।